पिछली क्लास में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में शुरुआत करी थी, जिसमें हमने नाइट्रोजन वेस्ट के आधार पे तीन प्रकार के एनिमल्स बताए थे, जो उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया निकालते हैं उनको हमने अमोनोटेरिक कहा था। अमोनिया अमोनिया जिनमें निकलेगी, जिनको ज़्यादा घुलनशील खूब पानी मिलेगा उसी के अंदरूनी में उत्सर्जित होता है, क्योंकि बहुत घुलनशील होती है, उन्हीं के साथ ही विसरित हो सकती है। जैसे पानी में मिलने वाले कशेरुकी अकशेरुकी, जैसे गैस्ट्रोपोड्स हैं, एलांस ब्रेक्स में है, और कुछ गैस्ट्रोपोड्स भी हो गए, उनके अंदर अलवणीय जल में मिलने वाले, लवणीय जल में वाले कशेरुकी और अकशेरुकी जिनके अंदर पानी खूब मिल रहा है उनके अंदर हो जाएगा। अलवणीय जल के अंदर जो मिलते हैं उनके अंदर उनकी खुद की पानी शरीर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी उसके अंदर एंटर करता रहेगा और बाहर निकलता रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। यूरियोटेलिक जिनमें यूरिया, जो अपना अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में बनाते हैं, एलास वेक हो गए, हमारे मैमल्स हो गए जिनके अंदर ये मिलता है, और यूरिया पानी के साथ मिलकर बाद में यूरिन बनाएगा। यूरिकोटेलिक एसिड जिनके अंदर यूरिक एसिड के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है, कोलाइडल फॉर्म में होता है, इजीली बाहर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, जल की हानि इसमें कम होगी। जैसे बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, कुछ रेप्टाइल्स हो गए, कुछ रेप्टाइल्स के अंदर तो यूरिया का भी है, लेकिन इसके अंदर भी यूरिक एसिड का भी उत्सर्जन वो करते हैं। इस हिसाब से ये अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ एक क्रिएटिनाइन भी है, क्रिएटिनाइन ये और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पानी खुद भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से तीन ये हमने पिछली बार बात कर ली थी। अब हम मेमेलियन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ही यहाँ पे हमारा पार्ट जो जिसके हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो उत्सर्जन तंत्र हमें मेमेलियन सिस्टम के अंदर पढ़ना है। मेमेलिया के अंदर हमने कहा कि यूरिया का उत्सर्जन होगा, और यूरिया के उत्सर्जन के लिए हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो किडनी ह्यूमन बीइंग के अंदर एक जोड़ी किडनी मिलती है, और इसके पीछे की साइड में लंबर रीजन पीछे की ओर जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसका लंबर पार्ट, जैसे वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट होते हैं सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, कॉर्डल, सैक्रल, तो लंबर रीजन पे ये किडनीज
लेफ्ट साइड की किडनी और ये राइट साइड। राइट साइड की किडनी थोड़ी सी स्लाइटली नीचे होगी, यूरिनरी ब्लेडर में मूत्राशय अंदर ये यूरेटर के द्वारा खुलेगी, ये लेफ्ट साइड की और ये राइट साइड की। ये थोड़ी सी स्लाइटली थोड़ी सी नीचे, क्योंकि ये पार्ट राइट साइड का जो पार्ट है, हमारा राइट साइड का पार्ट है, वो लीवर के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। इधर लीवर है इसलिए थोड़ी सी नीचे होगी, बीन शेप होगी। अब यहां पे डोर्सल ओर्टा आ रही है, डोर्सल ओर्टा से रीनल आर्टरी एक एक सप्लाई हो जाएगी। ये वेना केवा आ रही है, उससे इनर आर्टरी और ये इनर वेन। ये डोर्सल एओर्टा है, इससे ही इनर आर्टरी निकलेगी और वेना केवा से ये सप्लाई होगी। ये किडनी का साइज, किडनी का साइज बीन शेप सेम के बीच के आकार का होता है। बाहर से ये कॉनवेक्स और अंदर कॉनवेक्स और ये कॉनकेव, ये अंदर की तरफ कॉनकेव है, यूं होगी कॉनकेव और ये बाहर की तरफ कॉनवेक्स, उत्तल और उत्तल और अवतल। ये जो खांच बन रही है इसको कहते हैं हाइलस। ये जो खांच बनी यहां पे, ये जिस तरह से ये है ना, ये यूं जो एक स्कार बन रहा है, ये स्कार, ये देखिए, ये स्कार, ये हाइलस कहलाता है। ये खांच इधर से आर्टरी आ जाएगी, इधर से वेन आ जाएगी, ये पेल्विस और ये बन जाएगा यूरेटर। ये यूरेटर दोनों साइड की, लेफ्ट और राइट साइड की यूरेटर यहाँ खुलेगी मूत्राशय में, यानी यूरिनरी ब्लेडर में, और ये यूरिथ्रा ये रहता है हमारा पीछे की साइड में। ये पीछे की साइड में यहां होती है हमारी किडनी वर्टिब्रल कॉलम के लंबर रीजन के इधर लेफ्ट साइड और इधर साइड में। अब अपन बात करें वृक्क की संरचना की। वर्क की संरचना
मॉर्फोलॉजी ऑफ द किडनी। इससे पहले बात करें, इससे एक बात बताना हम चाहेंगे कि किडनी इज सराउंडेड बाई द फैट बॉडीज, फाइबर टिश्यूज के द्वारा कवरिंग रहती है। फैट के चारों ओर, किडनी के चारों ओर ये चारों ओर इसके फैट बॉडीज लगी रहती है। इट इज एम्बेडेड इन द फैट बॉडीज। ऐसी किडनीज जिनके अंदर फैट बॉडीज घट जाए, कम हो जाए, तो ये पोर्शन में किडनी अपनी नॉर्मल आकृति से हिलने लग जाएगी। ये किडनी फैट बॉडी से सराउंडेड, इज एम्बेडेड इन द फैट बॉडीज, इससे ये घट जाएगी। जब ये फैट बॉडीज घट गई, ये दुबले पतले जो इंसान होते हैं उनके अंदर ही ये प्रॉब्लम आती है। ऐसी किडनी जिनके अंदर फैट बॉडीज कम हो गई है, किडनी अपनी जगह से थोड़ी हिलने लगी, उसको कहते हैं फ्लोटिंग किडनीज। क्या कहेंगे? फ्लोटिंग किडनी, यानी जिसके अंदर फैट बॉडीज कम हो गई है। नहीं तो फैट, ये फैट बॉडीज का काम ही है कि किडनी को अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए, ये फैट के द्वारा इसको सपोर्ट देने के लिए ये चारों ओर फैट बॉडीज रहती है इसके। ऐसी जिनको जिनमें फैट बॉडीज कम हो गई, ऐसी किडनी फ्लोटिंग किडनी कहलाएगी। इसमें आपके क्वेश्चन आता है कई बार, क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है व्हाट यू मीन बाय द फैट, सॉरी व्हाट यू मीन बाय फ्लोटिंग किडनी, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसे वृक्क जिनके चारों ओर फैट बॉडीज घट जाती है, कम हो जाती है, तो वो स्पेस फैट कम होने के कारण लिक्विड भर जाता है और वो किडनी अपनी जगह से थोड़ा सा मूवमेंट करने लग जाती है, यानी फ्लोट करने लग जाती है, उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग किडनीज। अब बात करें हम एक इसकी आकृति की। जैसा हमने कहा कि सेम के बीज के आकार की होती है, यहां खांस दिखाई देगी हाइलस, और एक इमेजनरी बैकग्राउंड दो पार्ट में डिवाइड होती है। अंदर का पार्ट मेडुला कहलाएगा, बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स कहलाएगा। ये पोर्शन जो बाहर का है कॉर्टेक्स, और ये मेडुला। कॉर्टेक्स फिर से आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, मेडुला फिर से डिवाइड होगा, इनर मेडुला, आउटर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स कुछ ग्रेनुलर होता है, यानी कड़ी की होता, दानेदार होता है। क्यों होता है ग्रेनुलर? यहां पे बोमन कैप्सूल मिलेगा, उस बोमन कैप्सूल की वजह से, वो बटन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से ये दानेदार मिलता है। और ये पार्ट बीच का मध्य पार्ट मेडुला कहलाएगा, ये पेल्विस कहलाएगा, ये एरिया पेल्विस। ये इस पेल्विस बाद में संकुचित होकर के यूरेटर बनाएगी।
यूरेटर बना दिया। ये तो बाहर से, अब इसकी बात आती है कि इसकी चौड़ाई, लंबाई और कितनी। सिंपल सा, सीधी सी बात है, मैं इसको एक बार मिटाता हूँ, यहाँ दोबारा बताता हूँ आपको कि एक किडनी इसकी मोटाई, थिकनेस, एक से दो इंच। अब इसकी चौड़ाई, विड्थ, दो से चार इंच और लेंथ, लंबाई चार से छह इंच, यानी एक से दो, दो से चार, चार से छह, एक दो, दो चार, चार छह, मोटाई चौड़ाई लंबाई। ये मोटाई आ गई, ये इसकी चौड़ाई आ गई, ये और ये इसकी लंबाई आ गई। बस ये तो थिकनेस आ गई इसकी, इतनी चौड़ी है, और ये इसकी चौड़ाई आ गई, ये यूनिट। ये मोटा मोटी इसका डायमेंशन रहता है। 100 वजन हमारे ह्यूमन बींग के अंदर देखा है तो 165, एक स्वस्थ आदमी की किडनी की जो वजन है 165 मिलीग्राम के करीब, ग्राम के करीब होती है, और लेडीज में 145 होता है। लेडीज का डाटा थोड़े से हमारे मेल से कम होते हैं। किडनी को अगर देखा जाए, अगर इसको किडनी को आपने यूं देखा, अगर इसको यूं देखें तो किडनी ये थोड़ी सी यूं उठी होती है। अगर इस किडनी को हम यूं देखें तो ये पोर्शन, ये मेडुला वाला पोर्शन उठा होता है, ये कॉर्टेक्स दबा होता है, यानी ये पोर्शन यू उठा हुआ है, ये यू उठा हुआ है, ये मेडुला उठा होता है, कॉर्टेक्स बार वाला दबा हुआ है, ये पोर्शन, और ये बीच वाला ये उठा होता है, ये हल्का सा ऊंचा उठा होता है, और ये कॉन्वेक्स है और ये अंदर की तरफ डिप्रेस है, ये कॉनकेव है, अवतल और ये उत्तल। अब जब ये तो इसकी बाहरी संरचना, इसकी पोजीशन, इसके बारे में, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। जब इसको सेजेटल सेक्शन यू काटते हैं तो कॉर्टेक्स कॉलम ओबर्टिनी, अब ये जो अब ये पोर्शन इसके अंदर धस जाए, ये यूं धस जाए, ये इसके अंदर धस जाए, ये इसके अंदर की ओर आ जाए, ये चीजें यानी कॉर्टेक्स एम्बेडेड इन दी मेडुला, ये यूं ये अंदर की तरफ आ गया, ये कहलाएंगे कॉलम ऑफ बर्टिनी, और ये बीच का पोर्शन, ये पोर्शन
ये पिरामिड्स हैं, और ये जो कॉर्टेक्स है ये अंदर धस गया, ये अंदर धस गए, ये अंदर धस गए, ये कॉलम ऑफ वर्टिनी है। तो ये ब्लू कलर से दिखाए ये कॉलम ऑफ वर्टिनी, ये लाल रंग से जो दिखाए ये प्याले के आकार के, इनके नीचे कैलिसेज पाए जाएंगे, माइनर कैलिसेज के बाद मेजर कैलिसेज, मेजर कैलिसेज खुलेगी पेल्विस से, पेल्विस खुलेगी यूरेटर में, यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, इस तरह से एक प्रोसीजर रहेगा। आज इतना ही करते, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है।